बजरंग दासगर ने मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर क्या इसे बदतमीजी की है, इसके बारे में या तो बजरंग दास बताए या प्रशासन बताए। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, नरवाना के अंदर एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर पूरे नरवाना नहीं पूरे हरियाणा में बवाल मचा था कि एक मोहित नाम का लड़का 24 वर्षीय जिसकी आकस्मिक मौत हो गई थी, उसके पिताजी को न्याय अब तक नहीं मिला है। यानी कि एक हफ्ते का जो समय दिया गया था, उस एक हफ्ते के बाद आज 4 महीने होने को है और 4 महीने होने के बाद भी आज तक मोहित के पिता की को न्याय नहीं मिल पाया है। दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है न्याय के लिए। तो मोहित के पिता के पास पहुंचे हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन चीज़ों के लिए आज इन्हें मारा मारा फिरना पड़ रहा है, क्योंकि इनसे जब सहमति बनी थी तो इसी बात को लेकर सहमति बनी थी कि एक हफ्ते में आपको न्याय मिल जाएगा जो आपकी मांगे हैं। भाई बात कर लेते हैं, मैं अगर दोबारा थोड़ी सी बात दोहरा देता हूँ। दिसंबर के अंदर मोहित नाम का लड़का 24 वर्षीय है जिसकी मौत हुई थी नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में, डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई थी और काफ़ी दिन ये बड़ा बवाल मचा था नरवाना के अंदर। आज दोबारा फिर यहीं पर उसी की बात करना चाहेंगे क्योंकि उसके पिताजी आज तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय नहीं मिला। आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या अभी तक आपको न्याय नहीं मिला जी? मेरे को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मैंने 4 महीने के करीब दर दर की ठोकरें खाकर मैंने समय बर्बाद करके अब मैं अपने ठिकाने पर बैठ गया हूं। मैं क्या बात हुई थी उस समय, क्या बात हुई उस जिस टाइम मेरा लड़का मोहित कुमार 28 दिसंबर को गुजरा था, फर्स्ट डोज वैक्सीन लगने के कारण गुजरा, डॉक्टरों की लापरवाही से। अच्छा, डॉक्टरों ने उसके ऊपर कोई इलाज नहीं किया। धरना भी चला था, धरना 3 दिन मैंने धरना प्रदर्शन रखा, रास्ते भी जाम किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, मैंने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। 7 दिन का उन्होंने 3 दिन के बाद धरना के बाद हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास अग्रक ने विश्वास दिलाया कि आपको एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते के अंदर आपका सारा काम बन जाएगा। लेकिन इनके बहकावे में आकर मैंने उनकी बातों को मानकर, जो कि अपने जींद से महावीर कंप्यूटर जी हैं और हिसार से बजरंग दास गर्ग जी हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर मेरे को झूठे वादे में फंसाकर मेरे को बहकावे में लेकर मेरे को वहां से खदेड़ बदेड़ कर दिया है। मेरे बच्चे की डेड बॉडी उठा के और उन्होंने संस्कार करने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन का टाइम मिल गया, 7 दिन के अंदर आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी, आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके ऊपर भी FIR कटी हुई है, FIR के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं एक बार 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 कहना चाहता हूं कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। मैंने मेरा लड़का 24 साल का मोहित कुमार खो दिया है जिसकी भरपाई मैं सारी उम्र भी नहीं कर सकता। मैंने सरकार को भी लेटर लिख दिया है, हरियाणा के राज्यपाल को भी लेटर लिख दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख दिया है, मुख्यमंत्री खट्टर को लेटर लिख दिया है, अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हरियाणा सरकार में है उनको लेटर लिख दिया है, मैंने DC के चक्कर लगा लिए हैं, मैंने जींद के ऑफिस में चक्कर लगाता रहा हूँ, SDM साहब नरवाना के चक्कर लगा दिए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब भी मैं जाता हूँ मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ये कहते कि आपका काम बन जाएगा। लेकिन SDM साहब ने यहाँ से बदली करवा के वो भी चले गए, यहाँ के SHO साहब सीधे वो भी अपनी बदली करवा के चले गए। अरे मैं जाऊँ किसके पास जाऊँ, मेरे को कोई सरकार रास्ता बताए, मेरे को ये बताए कि आपका काम इस तरीके से बनेगा। कल मैंने सिविल इसमें थाना में मैंने बात की थी कि मेरे को मेरे लड़के का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन ये भी आनाकानी करते हैं, कभी कहते हैं फलाना आदमी से बात करो, कभी कहते हैं उस आदमी से बात करो। मेरे को 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। इसमें क्या दिक्कत है, क्या राज है? इन्होंने बजरंग दास गर्ग ने मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर क्या इसे बदतमीजी की है, इसके बारे में या तो बजरंग दास बताए या प्रशासन बताए, क्योंकि मैंने इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा कसूर इतना है कि मैंने मेरा लड़का 24 साल का मोहित कुमार खो दिया है सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। आपकी हमारी सहमति हुई कि क्या मांग थी आपकी? हमारी 3 मांगे थी। एक तो कहा कि आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी, दूसरी मांग ये थी कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तीसरी मांग थी कि डॉक्टरों के ऊपर जो लापरवाही हुई है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गए, इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
लेकिन ये तीनों बातों में एक भी बात नहीं अभी तक से बनी और ना ही कोई बातों की तरफ मेरी तरफ ध्यान है, ना ही कोई प्रशासन मेरी बात सुन रहा है। लेकिन मैं न्याय के लिए गुहार के लिए ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे पास एक लड़की बची है 21 वर्षीय कुसुम, जो कि शरीर से अपंग और दिमाग से मंदबुद्धि है। सभी को पता है इसके बारे में, पूरा नरवाना शहर को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। जब मेरी बात हरियाणा स्टेट लेवल से ऊपर जा रही थी तो इन्होंने मेरे को रोक दिया कि तुम ऐसी ऐसी बातें मत कहो कि आगे बात जाए तो हम आपकी बातों का समाधान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसर भी इस बात को मान गए थे, पुलिस प्रशासन भी इस बात को मान गया था कि डॉक्टर की लापरवाही है। लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी तो SHO साहब ने पूछा कि आप मौजूद क्यों नहीं थे वहाँ पर मौके पर, जब मोहित कुमार की मौत हुई तो डॉक्टरों ने इलाज क्यों नहीं किया। तो मैडम की एक ही बात थी कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन मैडम को इसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम तो 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर तो आकर मोहित कुमार की कोई दवाई कोई इलाज कोई कुछ चीज़ तो कर दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने थोड़ी सी यही मेरी गलती है कि मैं मौके पर नहीं पहुँच पाई, जो मेरे को सज़ा देनी हो दे दो। नरवाना का SMO डॉक्टर बिंदलिस ये कहता है कि मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने यह कहा कि डॉक्टर साहब इनको टर्मिनेट किया जाए, इनको ये कह बताया जाए कि नौकरी कैसे की जाती है। मैं हरियाणा खट्टर सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बातों को सुनकर आप तक बात पहुँचाने के माध्यम से इनको तुरंत टर्मिनेट किया जाए, ताकि इनको ये पता लगे कि हॉस्पिटल में नौकरी कैसे की जाती है। क्योंकि मैंने अभी तक आगे कोई कदम नहीं उठाया। मैं सरकार के ऊपर, खट्टर सरकार के ऊपर, अनिल विज के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। खट्टर सरकार फैसला ले लेती है, जो अनिल विज जी फैसला ले लेते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप इस बातों की ओर ध्यान देकर मेरे को न्याय दिलाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बार बार मैं कागजी कार्रवाई में लगा हुआ हूँ, मेरे से कोई भी प्रशासन कोई भी अफसर दफ्तर में मिलता नहीं है, कोई बात करके राजी नहीं है। खट्टर सरकार आप इसके बारे में सोचिए, ज़रा समझिए। अनिल विज जी आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आप मौके के ऊपर आप बड़े पद पर मंत्री हैं, क्योंकि आपका बहुत ओहदा बड़ा है। आप सो कहते हो वही करके दिखाते हो, लेकिन इस बात को भी आप समझो कि इस नरेश कुमार का जीवन कैसे कटेगा। 24 साल का मोहित कुमार जिसने अपना बेटा खो दिया है, उसका जीवन कैसे कटेगा। आप प्रशासन से पूछो, आप डॉक्टरों से पूछो, आप पुलिस से पूछो कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अनिल विज जी मैंने आपके पास लेटर लिख कर भेज रखे हैं, 2-3 बार लेटर डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो अभी तक आपको न्याय नहीं मिला जी? अभी तक मेरे को कोई न्याय नहीं मिला है। तो आपने एक आपका अपना बेटा खोया 24 साल का।